दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे कि किन कमी की वजह से ब्लड प्रेशर लो होता है। उन मरीज़ों में जो मरीज़ बहुत ही कम मात्रा में पानी पीते हैं या जो बहुत ना के बराबर पानी पीते हैं, उनमें भी ब्लड प्रेशर के कम होने की शिकायत देखी जाती है, या वो मरीज़ जो अत्यधिक दवाइयों का सेवन करते हैं, उन मरीज़ों में भी दवाइयों के प्रभाव की वजह से लो ब्लड प्रेशर की शिकायत देखने को मिलती है। तो उन लोगों को चाहिए कि वो अपने डॉक्टर से ये तय करवा लें कि किस दवा की वजह से उनका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, ताकि डॉक्टर उस दवा की मात्रा को, उसकी एमजी को ऊपर नीचे या कम ज़्यादा करके या बंद करके किसी दूसरी दवाई को शुरू कर सके, ताकि आपको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत ना हो। और जब लो ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं होगी तो आपको भिन्न भिन्न बीमारियों से आप बच सकते हैं, वो बीमारियां आपको नहीं होंगी। दूसरा ये कि किसी भी प्रकार का स्ट्रेस, लोगों में बहुत आम तौर पर आदत होती है कि वो छोटी छोटी बातों को अपने दिल और दिमाग पर ले जाते हैं, उसकी चिंता बहुत अत्यधिक करते हैं, जिसकी वजह से उनके ब्लड प्रेशर पर भी असर पड़ता है और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो मेरा मशवरा है, वो लोग जो छोटी छोटी बातों को बड़ा बना के अपने दिमाग पर या दिल पर उसका असर लेते हैं, तो वो अपनी इस आदत को बदलें, ताकि उनका ब्लड प्रेशर कम ना हो। और जब ब्लड प्रेशर कम ना हो तो उन्हें डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसीज़ की परेशानी ना हो। दूसरा ये कि लोग सही वक्त से नहीं खाते, आराम नहीं कर पाते, प्रॉपर ना खाना, प्रॉपर तरीके से रेस्ट ना कर पाना भी ब्लड प्रेशर को कम करने का एक सबब हो सकता है। तो बेहतर है कि अपना खाना, अपना आराम, इसको एक टाइम शेड्यूल्ड के साथ बांध कर और इसकी आदत डालें। दूसरा ये कि ब्लड प्रेशर दोस्तों अगर किसी का लो है तो वो हृदय रोग की तरफ भी एक इशारा होता है कि पेशेंट्स को चाहिए कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो काफ़ी समय से चल रहा है तो हो सकता है कि उसे हृदय संबंधी कोई विकार या हृदय संबंधी कोई एबनॉर्मल फीचर्स उसके हार्ट में पनप रहा हो, तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसे आने वाली बीमारियों से अपने आप को बचाए। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर लो है तो हम क्या चीज़ अपने इलाज में ले सकते हैं। तो मेरा मशवरा है कि अगर किसी पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर लो है तो सबसे पहले तो वो ये तय करे कि वो कितना पानी पी रहा है। अगर वो पानी कम पी रहा है तो वो अपने पूरे दिन के रूटीन में कम से कम 2-3 लीटर पानी ज़रूर पी ले। और अगर जैसे अब इसका समर सीज़न चल रहा है तो 2-3 लीटर से अगर ज़्यादा हो रहा है, 3.5 या 4 लीटर पानी, तो दैट इज़ गुड फॉर हिम। तो मच बेटर कि वो एक आदत डाल ले कि भाई मुझे 2-3 लीटर तो पीना ही पीना है। अगर 3.5 या 4 लीटर मॉर्निंग टू इवनिंग हो जाता है तो दैट इज़ नॉट बैड। दूसरा ये कि पानी पीने के साथ साथ उस पेशेंट्स को कम से कम एक चीज़ का काम और करना चाहिए, और वो ये हो सकता है कि जैसे नारियल पानी है उसका वो इस्तेमाल कर सकता है, या जैसे अभी बेल बहुत चल रही है तो बेल का शरबत या बेल शेक वो इस्तेमाल कर सकता है। ये भी ब्लड लो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में काफ़ी अच्छा एक नुस्खा है। तीसरा ये कि वो आम का पन्ना आता है, वो आम का पन्ना यूज़ कर सकता है। एक आम का पन्ना मीन्स लिक्विड में एक जूस टाइप बना सकता है वो, या नींबू पानी भी वो इस्तेमाल कर सकता है। एक और दोस्तों, आपने बहुत सुना होगा कि अगर लो ब्लड प्रेशर है तो तुलसी के बारे में बहुत सुना होगा, 4 या 5 पत्ते आप अगर तुलसी के खाते हैं, चूँकि तुलसी में पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, यहाँ तक कि विटामिन सी भी उसके अंदर मिलता है, तो अगर आप खाते हैं तो लो ब्लड प्रेशर की शिकायत शायद है कि आपकी दूर हो जाए। और शायद नहीं, मैं अगर ये कहूँ कि आप इससे लो ब्लड प्रेशर की समस्या से काफ़ी हद तक बच सकते हैं तो गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, ये कुछ तरीके थे
आपके लाइफ स्टाइल को अगर आप चेंज करते हैं, उसमें आप 3 से 4 लीटर पानी लेते हैं, नींबू पानी का इस्तेमाल करते हैं, नारियल पानी का इस्तेमाल करते हैं, आम के पन्ने का इस्तेमाल करते हैं, या कुछ नहीं कुछ नहीं तो तुलसी के 3-4 पत्ते, अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, चूँकि तुलसी के पत्तों में पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी जैसी चीज़ें पाई जाती हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत से बचा सकते हैं। और लो ब्लड प्रेशर की शिकायत से अगर आप बचते हैं तो कहीं ना कहीं आप हार्ट संबंधी प्रॉब्लम, फालिस संबंधी प्रॉब्लम, किडनी फेलियर संबंधी प्रॉब्लम, ये ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हैं जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क बढ़ जाते हैं, आप इनसे बच सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस मकसद से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, उस मकसद को आपने समझ लिया होगा, और आप वो लोग जिनको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा, जो लो ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं रख रहे हैं वो भी अपनी दिनचर्या में सुधार करेंगे। तो दोस्तों, ये था लो ब्लड प्रेशर के बारे में। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली फिर एक नई टॉपिक के साथ अगली एक नई वीडियो में फिर आपसे मुखातिब होंगे। आदाब।